वोटर मीटर घोटाले के एक मामले में एसीबी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नोटिस जारी किया है। एसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार में पानी के 2,50,000 मीटर खरीदने में हुई गड़बड़ी की बात कहकर केस दर्ज कराया था। एसीबी ने शीला से पूछताछ के लिए समय पूछा है। वो एक महिला हैं, इसलिए उनके नोटिस में कहा गया है कि आप कब पूछताछ के लिए आ सकती हैं। शीला दीक्षित जी को भी नोटिस इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कहाँ पे पूछताछ की जाए। जो भी एक नॉर्मल लॉ के हिसाब से प्रोसीजर होता है उनको एक लेटर गया हुआ। अभी जो भी डेट होगी, जो भी कन्वीनियंट डेट होगी, उसके हिसाब से पूछताछ करेंगे, लेकिन हमने नोटिस भेज दिया है। इससे पहले एसीबी ने पानी के टैंकर घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा से पूछताछ की। मिश्रा ने कहा कि उनसे एक डीसीपी, दो एसीपी और 3 निरीक्षकों ने पूछताछ की। उनसे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान उनके काम या उपराज्यपाल नजीब जंग के जरिए पिछले महीने एसीबी को भेजी गई कथित घोटाले की रिपोर्ट से जुड़े किसी भी तथ्य को लेकर एक भी सवाल नहीं पूछे गए। मिश्रा को कथित घोटाले के सिलसिले में एसीबी ने पेश होने के लिए कहा था। पूछताछ के बाद मिश्रा ने कहा कि घोटाला शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ था, मैंने जांच गठित की और इसका भंडाफोड़ किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एसीबी उनसे पूछताछ करने और उनकी जांच करने की बजाय मुझसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, हाल ही में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर 400 करोड़ रुपए के कथित वाटर टैंकर घोटाले मामले में शीला दीक्षित सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।